हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो भी फाइल है उस किसी भी फाइल के एक पर्टिकुलर फोल्डर को आप कैसे CMD में ओपन कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरी जो भी फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ। फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली डाउनलोड्स जो भी मेरा फाइल है इसे मैं सिंपली आपको CMD में ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरा जो भी डाउनलोड्स फोल्डर है इसे ओपन कर लिया। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार मिलेगा, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसे आपको सिंपली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली CMD टाइप करना है और एंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप एंटर पर क्लिक करते हो आपका जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है वो CMD में ओपन हो जाएगा। आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो गाइज इस तरीके से आप भी किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को CMD में ओपन कर सकते हो। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।